चावला चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी मंजीत सिंह चावला ने अपने पिता स्व मनमोहन सिंह चावला की स्मृति में खरगोन शहर को अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों से सुसज्जित लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सौगात दी, जिसका लोकार्पण स्व चावला की पत्नी त्रिलोचन कौर ने फीता काटकर किया। इस दौरान ज्ञानी पवन सिंह ने अरदास की। मंजीत सिंह चावला ने बताया कि शहर में एम्बुलेंस का संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा, जिसमें जरूरतमंदों को एक फोन कॉल पर एम्बुलेंस आसानी से उपलब्ध होगी। करीब 30 लाख रुपए की कीमत वाली इस एम्बुलेंस में गंभीर घायल हृदय रोगी सहित कोविड संबंधित इलाज भी हो सकता है। पहले लोगों को ऐसी सुविधा न होने के चलते परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें यह एम्बुलेंस बड़ौदा, बॉम्बे, इंदौर तक इलाज कराने के लिए ले जाएगी। बाहर भेजे जाने वाले मरीजों के लिए यह एम्बुलेंस जीवन रक्षक साबित होगी। ट्रस्ट के रसदीप चावला ने बताया कि उनके पिता ने जीवन पर्यंत जरूरतमंदों की सेवा की है, इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने ट्रस्ट की स्थापना की थी। उन्हीं के संकल्प को परिवार पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इस दौरान परिवार के भजन सिंह चावला, नरेंद्र सिंह चावला, इंद्रजीत सिंह चावला, चिकित्सक, समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारी, व्यापारी मौजूद थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। वर्तमान में जो वेंटिलेटर वाली वैन की व्यवस्था हुई एम्बुलेंस की, ये मिलने से क्षेत्र को क्या फायदा होगा और इसके पहले से कोई व्यवस्था है क्या? ये जो है खरगोन जिले की पहली सौगात है कि जो वेंटिलेटर युक्त जो है एम्बुलेंस दी है। इससे मतलब मरीज को जो है यहाँ से इंदौर तक ट्रांसफ़र करने में जो डेंजर रहता है, मतलब हम कितना भी उसको सपोर्ट करें पर रास्ते में जो है 3 घंटे की जर्नी मरीज झेल नहीं पाता और बिना वेंटिलेटर के भेजने में जान का खतरा बहुत रहता है। कई बार ऐसे प्रकरण आए तो हमको इंदौर से मतलब वेंटिलेटर युक्त बुलाना पड़ी, जो काफ़ी टाइम भी लगाती है और काफ़ी खर्चा भी होता है। पर ये वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस होने से शहर को काफ़ी फ़ायदा होगा, इस एरिया को फ़ायदा होगा और मेरे विचार से आसपास के एरिए बड़वानी, धार, खंडवा, ऐसी सुविधा युक्त एम्बुलेंस कहीं नहीं है। और स्वर्गीय जो चावला जी ने जो है समाज में काफ़ी योगदान दिया, इनकी जो हरमन पॉलीक्लिनिक चल रही है उसमें काफ़ी मरीज आ रहे हैं और कोरोना काल में लगभग 1000 मरीज जो है वहाँ देखे गए। चावला परिवार द्वारा दी गई वैतरणी और डेड बॉडी के लिए जो फ्रिज है वह काफ़ी लोगों के काम में आए और जो वैतरणी है वह पिछले 8 साल से रोटरी के द्वारा हम लोग मतलब कंडक्ट कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी सेवाएँ और इतनी दूर की सोच मैंने किसी व्यक्ति में नहीं देखी और आज चावला परिवार ने जो एम्बुलेंस दी है इससे शहर के मेडिकल वर्ल्ड को, मरीजों को, सबको बहुत फ़ायदा होगा और कई लोगों की मतलब जो रास्ते में जान का खतरा रहता है वह जान बच जाएगी। गुड नेम प्लीज। डॉक्टर मधुसूदन बाचे, मेडिकल जा रही है। इसमें क्या विशेषताएं हैं और किन किस उद्देश्य को लेकर ये एम्बुलेंस? हमारे आदरणीय पिताजी सरदार मनमोहन सिंह जी चावला जी की याद में ये एम्बुलेंस खरगोन शहर को दी जा रही है और इस एम्बुलेंस में खरगोन ज़िले में जो अभी तक सुविधाएं नहीं थी उसको ध्यान में रखते हुए ये सभी सुविधाएं इस एम्बुलेंस में दी गई है और ये एम्बुलेंस लाइफ केयर सपोर्ट इक्विपमेंट के साथ है, जिसमें मल्टी केरा मॉनिटर भी है, गलिए में पम्प भी है, वेंटिलेटर हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रेटर से लैस है ये एम्बुलेंस और ये लैस खरगोन की जनता के लिए समर्पित की गई है। हम कई बार देखते हैं कि खरगोन की जनता को जब कोई मरीज जिसको वेंटिलेशन की या वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उसे इंदौर से एम्बुलेंस स्पेशल बुलाना पड़ती थी, लेकिन अब ये एम्बुलेंस होने से उसे कहीं भागदौड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोरोना काल को देखते हुए, जबकि आप सबको मालूम है कि एम्बुलेंस या पेशेंट या हॉस्पिटल में पेशेंट को जगह नहीं मिल रही थी और इस वजह से स्पेशली एम्बुलेंस ये तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, इवन वो इंदौर से बुलाने पर भी नहीं मिल पा रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए इस एम्बुलेंस को हमारे द्वारा मन में हम एक सपना था और विशेषकर हमारे डीडी जी का, आदरणीय मनमोहन सिंह जी चावला जी का एक सपना था कि खरगोन शहर को हम कुछ न कुछ नया देते रहे, जिसकी ज़रूरत खरगोन शहर को उसको हम देने का प्रयास करें और उन्हें उनके इस सपने को ही हमने आज यहाँ साकार किया है और खरगोन नगर के विकास के लिए सभी वो तत्पर रहते थे और उनके मार्गदर्शन की कहानी उनके सपनों को साकार करते हुए हमारे द्वारा आज ये एम्बुलेंस नगर की जनता को समर्पित की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।